लोकायत में आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री राजेंद्र जौहर से, डॉक्टर राजेंद्र जौहर, जिन्होंने फैमिली ऑफ डिसेबल्ड नाम की एक संगठन है उसका स्थापना किया और आज इस संगठन जो है देश भर के अंदर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके सवालों पर काम कर रही है, उनके लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के सवालों पर और उनके जो सबसे बड़ा सवाल है जो सामाजिक तौर पर उनके साथ अन्याय होता है उस पर भी उनकी अपनी उनके कार्यों से काफ़ी मदद मिली है। तो मैं पूछना चाहता हूँ जौहर साहब कि ये फैमिली ऑफ डिसेबल्ड बनाने का आइडिया कैसे आया, कब आया और कब से शुरुआत हुई? ऐसा हुआ कि जब मैं लखनऊ में वरिष्ठ वेबसाइटी सबके पद पे के मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था तब ये हादसे में जो कि रात के टाइम हुआ और उसमें मेरे को सामना करना पड़ा असामाजिक तत्वों का और उसमें एक फायर आर्म उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए। अच्छा। और उसमें से मैं जब मेरे पे फायर किया मैंने रजिस्टर करने की कोशिश तो नहीं करी क्योंकि फिल्मी हीरो तो हूँ नहीं। जी जी। तो मैंने कहा कि भाई उनसे घास सुधी हो रही थी तो इतने में फायर कर दिया और जो गोली मेरी छाती में लगी। अच्छा। फिर मैं उस सोर्स ऑफ फायर आर्म से मैंने अवॉइड करने की चेष्टा करी, मैं उठा और दूसरे कमरे में जाने लगा। वो इसलिए भी कि उस वक्त मेरी बेटी तो 3 वर्ष की थी, मेरी गोद में थी। रात के करीब 11 बजे हुए थे, करीब मार्च का अंत था बिल्कुल। मार्च को हुआ कार्ड, संडे का दिन था। तो वो मैंने भागने की चेष्टा करी तो पीछे मतलब पॉइंट ब्लैक रेंज से एक फायर ओवर हो गया जो मेरी गर्दन में आके लगा। तो सर्वाइकल स्पाइन में जो चोट लगी गर्दन में उसके कारण मैं अपने चेस्ट के नीचे गर्दन के नीचे आप कह लीजिए मेरी बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई। फिर तुरंत मुझे अस्पताल पहुंचाया गया, वहाँ मैं उन्होंने मेरी सर्जरी करी, बुलेट निकाली, लेकिन उन्होंने कहा कि आप 3 हफ्ते वॉच करते हैं, कुछ मूवमेंट लौटेगी तो ठीक है वरना फिर देखते हैं क्या किया जा सकता। तो वहाँ जाके फिर इलाज वाज हुआ, मतलब लाभ तो विशेष नहीं हुआ। फिर एक ही चीज़ बच गई थी, पुनर्वास। जी जी। पुनर्वास रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन में तो खुद ही काम कर रहे थे, 18 साल हो गए थे वहाँ अपने तरह के रोगी भी देखते थे, दूसरे रोगों से और दूसरे कंडीशन से प्रभावित लोगों को भी देखते थे। तब पता लग गया था कि मेरा भविष्य में क्या लिखा जब मैं एक बार डॉक्टर से विदा हो गया। और फिर उसका ट्रीटमेंट तो लेना ही था, उसके साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। मार्च में मेरे चोट लगते हुआ मार्च में लगी, अगस्त में मैं अपने यहाँ मेरे पिता रहते थे अपने मैं यहाँ पे आ गया। पत्नी मेरी इलाहाबाद बैठ पे थी, वो वहीं पे काम करती रही, मैं बच्चों को लेके यहाँ आ गया। अच्छा। और यहाँ फिर अब जो बहुत ही एक्टिव मेरी लाइफ हुआ करती थी, सुबह 7:30 बजे से रात के 11 बजे तक मैं व्यस्त रहता था और अड़ोसी पड़ोसी भी इस बात के कायल थे कि जो साहब वो कहते थे आपको सुबह घर से जाने के टाइम से हम घड़ियाँ मिलाते थे। यानी 7:30 बजी स्कूटर को किक लगी तो सबकी घड़ियों ने 7:30 बजा दी कि 1 मिनट उधर नहीं होता। तो उस प्रकार का जीवन था, एक अनुशासन प्रिय एक्टिव और समाज के हर वर्ग से नाता जुड़ा हुआ था। परिवार का बड़ा सहयोग मिला, बड़ी केयर मिली, बहुत प्यार मिला। हर तरह से मेरे को वो किया, पिता यहाँ रहते थे उनको विश्वास नहीं होता था कि कोई ऐसी बीमारी भी जो ठीक नहीं होती। तो मैंने फिर उनको एक दिन बिठा के बात करी थी, मैंने कहा देखिए आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, लखनऊ भी भेजा काम करने के लिए और 18 साल मैंने नौकरी करी और ऐसे क्षेत्र में करी जहाँ पे विकलांग और एलिंग एंड डिसेबल्ड लोग आते थे और उनका हमें
इलाज करता होता था। तो आपको मैं कह रहा हूँ ये लाइलाज चीज है, इस पर आप ज्यादातर कुछ करिए तो कभी वो किसी होम्योपैथ को ले आएंगे, कभी किसी बारिश वाले को ले आएंगे, कभी किसी तेल बल्ले वाले को ले आएंगे, कभी किसी संत महात्मा को ले आएंगे जी। तो जब जब मैंने उनको समझाया बुझाया काउंसलिंग करी तो बात कहेगी ठीक कहता है। काउंसलिंग आपने की अपने पापा की? और उनको समझा दिया कि आप परेशान हो रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, कभी किसको लाते हैं किसको लाते हैं, तो आपको लगता है कि आपने अपने बेटे को जब भेजा जी तो इतना तो उसको पढ़ा लिखा है कि उसको पता है कि उसके साथ क्या गुजरा जी। तो पाँच साल छः साल क्यों में ऐसे बीत गए और ये सोचते रहे कि पता नहीं कब एडवर्सिटी हो जाए, कब उसके लिए हो जी। भगवान ने शुक्र भगवान का कि उसके परिवार को बिल्कुल समय दे दिया कि किसी भी एडवर्सिटी को प्रिपेयर होने का टाइम मिल गया। जब अचानक घटना होती है, अचानक मृत्यु हो जाती है तो फिर परिवार पूरे झटके में आ जाता है। लेकिन जब दो तीन चार पाँच महीने बीत गए तो पीपल ऑल्सो अराउंड मी माई फैमिली ऑल्सो वॉज एबल टू प्रिपेयर देमसेल्फ कि कल कुछ होता है, एडवर्सिटी कुछ होती है जी तो उस चीज कुछ होती है तो उसको तैयार होने का मौका मिले जी जी। इस तरह से चलते चलते तीन चार साल बीत गया तो मैंने कहा ये ऐसे कब तक चलेगा, चुपचाप लेटे हैं कुछ करते नहीं कुछ धरते नहीं, एक वर्थलेसनेस की फीलिंग ना जी, खालीपन और इतनी 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 बिजी लाइफ से अचानक से जो है वो बिल्कुल क्या हो रहा है, ऐसे कब तक चलेगा। और फिर बातें हुई लोगों से कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, जो बाहर के लोग थे तो उन्होंने तो उसको सीरियसली देख लिया, लेकिन जो घर के लोग थे उन्होंने कहा कि वी आर ऑल देयर, हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, पूरा सहयोग देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम जो करना चाहो करो, वी आर विद यू। तब फिर ये हुआ कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए, इसमें मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, अगर फल फलवाड़ी होता तो पान बेचता है, कुछ चाय बेचता वाला होता था, लेकिन वो तो एक ही चीज आती थी, तो वो ये ना कि क्या कहावत है बंदर लाल बूढ़ा हो जाए कलाबाजी खाना नहीं छोड़ता जी। तो मुझे एक ही चीज आती थी, विकलांगता के क्षेत्र में कुछ किया जाए, वो एक विद्या हासिल करी थी। हमने कहा कि चलो इसी क्षेत्र में काम करें, करेंगे क्या। अब ये हुआ, नए लोग थे, नई जगह थी, किसके पास जाए, कहाँ जाए, कैसे करे, तो पलक पे लेटे हुए हैं कि चल फिर भी नहीं सकते। तो फिर तभी ये विचार आया कि कुछ काम करना तो पहले संस्था चाहिए, संस्था चाहिए तो बहुत सारे लिखे पढ़ने का काम होगा, लिखे पढ़ने के काम के लिए हाथ चलते नहीं, करोगे क्या अकेले। तब फिर ये लेखनी जो है इसमें एक साल लग गया मेरा बनाने में, राइटिंग डिवाइस जी। तो पूरे अस्पताल दिल्ली के पूरे एनजीओ पूरे रिहैबिलिटेशन सेंटर सभी छात पर है, कोई कुछ मुझे देख के भाग जाता था, कोई भय से, कोई उससे कि भाई ये तो बहुत जटिल केस है नहीं बना पाएंगे जी। फिर बड़े भाई ने सुरेंद्र जी ने यही बैठ के मेरे सामने ये डिवाइस बनाई 19 जनवरी 1992 अच्छा जो मेरा बर्थडे भी होता है उसे अच्छा। तो ये गिफ्ट उन्हीं के दी हुई है ₹50 में खर्चा आया और दो तीन घंटे बन गए, और उसके बाद आधे घंटे में एक घंटे में बन गई और दो तीन घंटे में सूख भी गई और पैदा भी गई। और हम साल भर से परेशान थे, कभी सफदरजंग जा रहे हैं, कभी एम्स जा रहे हैं, कभी आईपीएस जा रहे हैं, कभी बना दो राइटिंग डिवाइस दे दो कुछ है, वो मिल गई और संस्था शुरू हो गई। अच्छा तो इससे क्या बैटरी लगती है वैसी? इसमें सिर्फ एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैटरी है, अच्छा एक कंपास का वो है बच्चों के ज्वेलरी बॉक्स का, और एक वॉल पेन लगा हुआ है। अच्छा लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, शोल्डर से लिखना होता है, शोल्डर की मूवमेंट। तो बहुत बड़ा डिवाइस बन गया, बहुत सारे और लोगों के काम भी। मैं कभी आपको शोल्डर की भेजूंगा जी, ये
डिवाइजिंग एंड डिवाइस जी एक आर्टिकल मैंने लिखा था अच्छा। डिवाइजिंग एंड डिवाइस वो इसके ऊपर ही था अच्छा अच्छा तो सस्ता सुंदर और टिकाऊ सर बाद में से चल रहा है 50 रुपए में आप क्या लेंगे 10 पैसे एक दिन का भी तो नहीं हुआ जी 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 चलो बैनवे में शुरू कर दिया फिर उसके बाद अब मैं देखिए लेखक को या मेरे जैसे आदमी को जो काम कर इस तरह का काम अंदर करता है उसको तो यही हथियार है ना जी बिल्कुल ये मेरी बंदूक है ये मेरी तोप है ये सब कुछ है तो जब बन गया तो फिर मैंने कहा अब चलो शुरू करते हैं देन वी स्टार्टेड और तब एफओडी की विचार आएगा वी विल फॉर्म एज एफओडी बताओ और तब फिर हमने कुछ लोगों को लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके जी अब जब रजिस्टर करा दिए तो कैसे वहां जाए रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखी मैंने कहा आप यहीं पे एक वो वन मैन कॉमेडी बना के या कैसे भी यही कर दीजिए ये सारे काम तो चल फिर नहीं सकता तो उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही सब रजिस्ट्रार कर तो उन्होंने किसी को भेज दिया मैंने चार पांच विटनेस भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल तीन विटनेस भी इकट्ठी कर ली और इसी कमरे में इसी चार पाई पे से एफओडी स्टार्ट हो गई जी ये हुई थी 11 मार्च 1994 में रजिस्टर हुई लेकिन हमने इसको पहले शुरू कर दिया था बाद में पत्रिका वगैरह निकालना शुरू कर जी जी बिल्कुल बिल्कुल हमें ये भी नहीं मालूम था कभी आपने भी वो स्टोरी पढ़ी कैसे हुई जी जी तो हम तो परले दर्जे के मूर्ख साबित हुए हमें ये नहीं पता इसको रजिस्टर कराते हैं हमें ये नहीं पता क्या होता है बिल्कुल पहले पहले स्टार्टिंग में सोताली आदमी ये सब कभी कह दे जी जी का बनाम सुनते थे जो होते हैं उस जमाने में इतने भी नहीं थे पिंटी के कुछ थे अब तो बहुत हो गया लेकिन उस जमाने में नहीं और आज से 40 साल पहले तो नहीं था जी बिल्कुल 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 तो हमने कहा चलो बताते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ना हमें किसी संस्था का कॉन्स्टिट्यूशन मांग ले उनका नाम था बाबा नहीं आजकल आजकल प्रोफेशनल सीए होते हैं ना वो सारी चीजें रख देते ताकि सब चीज आप कुछ भी काम करें उसमें आ जाए तो ऐसे ही उत्पत्ति हुई तो ये फैमिली ऑफ डिसेबल्ड नाम क्यों रखा आपने कोई और नाम क्यों रखा ऐसा किस पे कोई सवाल नहीं खड़े हुए कि काहे को ये नाम रखा है डिसेबल्ड का ही नाम रखते हैं कि जैसे कि ये फैमिली ऑफ डिसेबल्ड है ये नाम क्यों रखा इसके जरिए बदले में कोई और नाम नहीं रख सकते कोई डिस्कशन हुआ आप लोगों का नहीं इसका डिस्कशन मेरा मेरे साथ ही हुआ अच्छा अच्छा इसमें जो कि बाकी जो हमने जुटाए था लोग जी वो डिसेबिलिटी के क्षेत्र से नहीं थे अच्छा तो मुझे को सब कुछ करना था वो तो एक नेम से एक हुआ था हाँ वो सही बात है कि भाई ट्रस्टीज बनाने हैं ट्रस्टीज पे है तो सात ट्रस्टीज इकट्ठे करके बना दिए एक भाई को बना दिया जो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में थे एक डिस्टेंटली रिलेटिव थे वो प्लानिंग कमीशन में थे फिर एक और सज्जन थे जो व्हीलचेयर पे थे जी 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 इस तरह से कुछ लोगों को मिला के बना दिया लेकिन डिसेबिलिटी क्षेत्र में जो काम कर रहे थे उनको अकेला ही था जी तो फैमिली में मैंने जब शुरू में बनाया जी तो मैंने अब याद नहीं मैं भूल चुका हूँ मैंने एफ से भी कुछ बनाया था ए से भी कुछ बनाया था ये सारे जितने भी वर्ड थे ना हाँ जी सबसे कुछ बनाया फिर मैंने कहा कि ये कोई एसोसिएशन बनाता है कोई सोसाइटी बनाता है कुछ कहता है कुछ कहता है अब डिगर बनाएंगे अलग से बनाएंगे तो फिर हमने कहा फैमिली जो होती है वो एकजुट होती है पास पास होती है सब इसके सदस्य एक दूसरे की केयर करते हैं तो हम भी जो बनाएंगे वो उसमें भी यही होगा कि हम लोग एक दूसरे के प्रति हेल्प करें एक दूसरे के लिए उसके कष्टों को सुखों को जाने उसमें हम उसके साथ उनकी चीजों को सुख दुख को बांटे ये परिवारों में होता है जी संस्थाओं में अस्पतालों में अब किसी के नाम की बता देते हैं अपने दादा के नाम की बता दूँ या पिता के नाम की बता दूँ वो नहीं चलेगा तो फैमिली बनाया कि हमारा लोगों भी है तो उसमें भी फैमिली जो है जी वो उसमें तीन डिसेबिलिटी दिखाई गई है और ऊपर एक छतरी बनाई है उस छतरी के नीचे सारे की छतरी के नीचे वो सारे और छतरी से बाहर निकलोगे या तो धूप लगेगी या भीग जाओगे तो तुम्हें मजबूरन छतरी के नीचे ही रहना है तो इसलिए इस परिवार के और इसका भी एक है कि सज्जन थे राहुल स्वामी
तो मैंने जब लोगो बनाने की सोची तो मैंने कई लोगों से अपील करी लोगो बना रहे हैं जी 300-400 एंट्रीज आ गई। एक ने 50-50 एंट्रीज भेज दी। अच्छा उसे 30 भेज दी किसी 10 भेज दी। एक व्यक्ति थे और एक कॉलोनी है जमुना पार पत्रकारों की, क्या नाम है उसकी मैं भूल रहा हूँ, जमुना पार पत्रकारों की मीडिया वालों की समाचार अपार्टमेंट तो नहीं शायद, तो राहुल स्वामी वो हुआ करते थे। अच्छा किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया, उनसे कहा कि मैं देखा मैं ऐसे ऐसे सस्ता वहाँ मैं आज तक नहीं मिला उस शख्स से। अच्छा आज तक नहीं मिला। अच्छा उसने एक ही एंट्री भेजी। अच्छा केवल एक, और वो थे बोलो क्या नाम मेंटल इलनेस के पेशेंट, वो डिप्रेशन में होते हैं। अच्छा तो उनके माँ ने कहा कि जब ये डिप्रेशन की क्रिएशन तभी होती है जब ये डिप्रेस्ड होता है। ओके तो उन्होंने वो बना के भेजी और वही सिलेक्ट हो गई एक, वो 300 वाले रह गए। अच्छा हिंदुस्तान टाइम के चीफ आर्टिस्ट जो थे उन्होंने भी अपनी भेजी, क्यों उन्होंने इसलिए भेजी क्योंकि उनकी पत्नी को भी क्वार्टर भेज दिया था, मेरे को भी क्वार्टर भेज दिया था। ओके तो बातें चीतें होती थी तो उन्होंने कहा कि मैं भेजता हूँ सुकुमार चैटर्जी था उनका, तो वो भी नहीं समझ में आए। इस व्यक्ति ने एक ही भेजी और वो एक ही सिलेक्ट हो गई और वो आज तक हमारी चल रही है। अच्छा लोगो जो है लोगो भी मिल गया, टाइटल भी मिल गया, रजिस्टर भी हो गया, अब काम शुरू करना था। वो काम जो शुरू किया वो मतलब कई गलतियां करी, बहुत गुफ अप्स हुए, बहुत तो बड़ी काम जब स्टार्ट करते हैं तो जैसे आपने स्टार्ट किया तो बहुत परेशानी भी होगी, बहुत डिस्करेजिंग भी होगा। इन्होंने कहा ये सब क्या कर रहे हो, ना तो तुम हाथ चलते हो ना तो खुद चलते हो, और मक्खी तक भी दूसरा उड़ाता है, खाना भी कोई दूसरा खिलाता है, लेकिन भी खुद नहीं पाते हो, कैसे चलेगा। मैंने कहा देखिए जी एक जनरल ढोडी से मुलाकात हुई थी दोनों में जी, वो चिशायर होम में सेकंड इन कमांड थे। अच्छा वो किसी तरह से मिल लिया जब उन तक उनके कानों तक बात गई, तो वो उधर रहते हैं गांधी बाग या क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ने बैठ के बात करी तो ये डिस्कस निकला 100% डिसेबल्ड हो, डॉक्टरों ने बहुत सारे तुम्हें मेडल दे दिए कि उठ नहीं पाएगा बैठ नहीं पाएगा ये नहीं कर पाएगा चल नहीं पाएगा कर लगेगा, इससे और तो खराब नहीं हो सकता, जो भी गेन होगा वो एक बोनस होगा, जो भी गेन होगा वो प्लस होगा, इससे व्यर्थ तो नहीं हो सकता ना, जो डॉक्टरों ने कह दिया पहले जो वर्तमान दशा है जी, इससे और कैसे और आ जाता क्या खींचा जा सकता है जी, जो मिलेगा वो एडवांटेज होगा, जैसे होता नहीं टेनिस में एडवांटेज वाला तो वो एडवांटेज राजेंद्र जौहर होगा, एडवांटेज एफर्ट ही होगा। मैंने चलिए चलते हैं तो फौजी आदमी फौजी की तरह बात करता है वो पॉजिटिव तो रहते हैं, आसानी से सरेंडर का तो नहीं कर बिल्कुल अपनी फौज को होने देता जी जी जी, तो उनसे मिलके भी अच्छा लगा, पिता भी फौज में थे तो ये तय हुआ कि चलो यार करते हैं काम, फिर किया शुरू हो गया तो तब कुछ समझ में आया कि ठीक है, और लिखना बहुत होता था जी, मैं रात के 11-11 बजे तक लिखा करता था जी, और पिता बड़े परेशान थे लिखता क्या है क्या लिखते रहते हो क्या क्या करते हो क्या टाइम पर टाइम नहीं करता था, तो शायद कुछ नहीं। फिर पहला जब अवार्ड आया ना 93 में बैंकिंग में 93 में पहला अवार्ड आया मानव सेवा अवार्ड जी जी जी, तो पिता भी गए साथ में और बड़ी अच्छी जगह अवार्ड दिया गया, बहुत अच्छी जगह थी तीन मूर्ति हाउस में। अच्छा उसके ऑडिटोरियम जी नेहरू जी रहते, तो पिता ने फिर कहा अब मेरी समझ में आ गया तुम क्या करते हो रात को, उनको विश्वास आ गया कि फिर उनके होते होते जब वो उनका देहांत हो गया 96 में तो उनके होते होते 2-3 अवार्ड आ गए थे जी, एक में मुलायम सिंह भी थे जिसमें वो भी गए थे, पिता भी गए थे साथ में, एक सुरेंद्र शर्मा कबड्डी अच्छा उन्होंने राजस्थान क्लब की ओर से वो बहुत अच्छा था एयरफोर्स ऑडिटोरियम में हुआ तो उससे भी कुछ गणमान्य लोग आए हुए थे, तो वो हमें पिता गए थे तब उनको अब समझ आ गया कि ये कुछ ऐसा करता है कि जिसको कि मान्यता है सफाई। तो क्या ऐसा नहीं कि जब जैसे आपके ये अनुभव है जब आप चलाने में जो है कई लोगों को डिस्करेजमेंट कई लोग करते हैं, तो हैं। ये डिस्करेजमेंट इस सेंस की है कि जो डिसेबिलिटी को हमारे समाज के अंदर लोग दो तरीके से देखते हैं,
एक तो यह कि वो जो जो थोड़ा सी अपर लेयर ऑफ सोसाइटी है, जहाँ कोई डिसेबिलिटी में है व्यक्ति, तो उसको थोड़ा पेट्रनाइजिंग करके और उसे म्यूजियम में रख के कि भाई रहे, और जो लोअर लेवल है वहां पर जो है तो उसके तो बर्डन है, उसको तो पूछने का नहीं है। तो कभी आपको ऐसे महसूस हुआ कि लोग कहीं एग्जिबिट करना चाहते थे, जो करते करते थे और दिखाए कि भाई आपका फोटो दिखाए और बोले कि भाई करना चाहते हैं, ये जो हेल्पलेसनेस को बेचने का जो मैं तो मार्केट करूंगा इस चीज को, मैं तो करूंगा क्योंकि ये अज्ञानी है, इसको नहीं पता कि अफोर्डेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है जी, इसको ये नहीं पता इसको कि इस स्थिति में आके भी व्यक्ति काम करता है, बिल्कुल करना चाहे तो कर सकता है। इसमें दो ही ऑल्टरनेटिव है, या तो मैं सरेंडर कर दूं डिसेबिलिटी को, मैंने जी इसलिए कहा उनके लिए मैं युवा था, अब चिड़ियाघर जाते हैं अच्छा लगता है, तोता चिड़ी सब कुछ है, तो वो मुझसे सभी कहते हैं उनके लिए ये बड़ा एक अजीब बात है। लिख के तो दिखाइए, लिख के तो मैंने कहा बिल्कुल लिख के दिखाऊंगा क्योंकि आपको नहीं पता, पर आपको पढ़ाना सिखाना मेरा कर वो भी मेरा मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए मैं लिखता हूँ। तो कह रही मेरे के क्या लिखूँ, जो लिखे तो मैं उनको उन्हीं का स्वागत में एक चिट्ठी लिख देता था कि आपका यह वेलकम है, आपने डिसेबिलिटी पे काम करने का सोचा, फिल्म बनाने का सोचा, ये करने का सोचा, आपका बहुत धन्यवाद, ये वो खुलाना धुमकाना और उनको दे देता हूँ, कहते ले जाओ अपने को बिल्कुल ले जाओ, ताकि कल ये ना किसी के पास जाए और ये ना कहे भाई आप भी क्या कर सकते हैं। तो एक वो उस तरह से जस्ट लाइक ए यू नो मेकिंग देम अवेयर कि वही डिसेबल्ड लोग जो आपने सोचे कि बिल्कुल दातारा हो गया है जी 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 बिल्कुल ध्वस्त हो गया है इसका जीवन, वो अभी भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है जिसको आप भी कैच कर सकते हैं। पर लेकिन एक चीज है ना जोहर साहब, की दुनिया के अंदर मतलब मैं इस चीज को बहुत पहले से बोलता हूँ कि जो भी लोग कुछ ना कुछ करे हैं, या तो कोई गम में मारा, या कोई प्यार में धोखा खाया, या वो कहीं डिसेबिलिटी का भी शिकार रहा, और लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें कही, तो गोली ने मारा जी मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि काफी अब रविंद्र जैन जी का हम नाम सुनते हैं, उनका म्यूजिक शायद जो है सारे लोग सुनते हैं देखते हैं, इतना कर्णप्रिय संगीत था। जॉन मिल्टन जो है हाफ ऑफ हिज एज 45 इयर्स में ही बिकेम ब्लाइंड, मतलब और आफ्टर 45 इयर्स जो उन्होंने लिखा विथोट भी हियरिंग इंपेयर्ड जी 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 बहुत सारे लोग हैं ऐसे नहीं कि दुनिया के अंदर जो काम कर रहे हैं लाइक विद देयर कमिटमेंट एंड कन्विक्शन दे अचीव सो मेनी थिंग्स नॉट अचीव फॉर इट्स मच बिगर लेसन, और उनके जो राइटिंग्स हैं या उनके जो क्रिएशन है वो तो सोसाइटी के लिए सोसाइटी के लिए, जो आपकी आपकी जो क्रिएशन है एफओडी वो भी सारी देखिए ना सोसाइटी के लिए। ऐसा भी है मैंने जो पहले कहा था हमारे ऊपर सरकार ने भी खर्च किया, जब मैं पढ़ रहा हूँगा जी और जब हाँ। हाई स्कूल और इंटर में था जी तो पिता फौज में थे तो मेरी उस कारण फीस माफ हो गई, अच्छा 1 रुपए देता था जी जी जी, बच्चे 10 रुपए देते थे, तो फौज का लड़का होने के कारण मुझे 1 रुपए देना पड़ा। मैंने कहा देखो सरकार ने मेरे लिए ये भी किया, जो 10 रुपए की वो वाले जो एक वो था घर में लड़का काम करता था वो उत्तराखंड से आया हुआ था गढ़वाल गढ़वाल से, उसको 15 रुपए तक खा देते थे महीने की, अच्छा, और मैं खुद जब नौकरी लगा तो मेरी पहली तनख्वाह 277 रुपए थी, अच्छा, आज हम भी उसको 6,000-7,000 दे के तब काम पे कराते घर में ये बागों वगैरह, तो वो वाला युग था, वो वाले एक एक पाई की कीमत थी, और यानी कि किस बात पे ये बात करनी थी, ये जो पूरा जो डिसेबिलिटी को लोग किस तरीके से देखते हैं और जो तो मतलब कि मतलब लीडर्स के जब आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए लीडर दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, बट एज ए काइंड ऑफ इफ यू आर लाइक ए हेल्पलेस क्रिएशन तो दे विल बी कमिंग एज ए पेट्रोनाइजिंग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात करी कि 3 महीने का बच्चा भी पढ़ा के जा सकता है जी, मेरा भी यह रोल ये भी हो गया था कि मैं भी पढ़ाऊ, ये आदमी अंदर आया तो मेरे से मिलके गया तो उसको ये पता लग गया कि क्वांटिटी क्या होता, ये पता चल गया, ज्ञान आ गया। दिल्ली शहर में एक आदमी को और बढ़ा दिया, कई बार
अब जैसे कमला नेहरू के बच्चे आए थे, यहाँ सेठ सिसिलिया के बच्चे आए, परसों डीओ कॉन्वेंट के बच्चे आए थे, तो इनको सबको जब ये होता है कि वो करते हैं, चारों तरफ बैठते हैं, बातचीत होती है, दो दो घंटे की आते हैं वो, तो स्कूल वालों को भी अच्छा लगता है कि भाई बच्चों में भी ये चीज हो, पहले शायद इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उनको बताने में मुझे आनंद आते हैं। मैं कथावाचक का पुत्र तो नहीं बुलाइए, अखंड रामायण की तरह इसको पढ़ सकता हूँ जो, क्योंकि कथा कभी करी गई तो कथावाचक। लेकिन जब आपके पास लोग आते हैं मिलने के लिए और जैसे आपने कहा कि आप बताते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बैकग्राउंड को पता कि आप डॉक्टर थे और आप एक ऑर्थोपेडिक पूछते हैं क्या करते थे। मैं बताता था मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में था जी, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में था, सीनियर ओटी के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पे था, ये हमारे कार्यकलाप थे जी। और फिर वो क्वेश्चन जब होता है चोट लगी तो उससे पहले उनको बताता नहीं होता कि क्या था जी जी जी। आप फौज में थे जैसे जो बुरे तत्व है समाज में, तो जो जिनके जिनके जो शिकार होते हैं पुलिस में थोड़ी होते थे, फौज में थोड़ी होते, उनको तो माइंड वॉज 29th क्राइम ऑफ दैट मैन। अच्छा पिछले पोर्शन और ईश्वर की कुछ दिया नहीं हम पे, सोशल सर्कल भी बड़ा था, हम दो जने टोटल थे, दोनों कमाने वाले थे, चार व्यक्ति पे वो खर्चा होता था, सस्ता जमाना था, तो हमने कहा कि जब लखनऊ में रहना ही है तो घर बनवाए, तो घर अच्छा खासा बना, इसी तरह का था जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। तो अपने को खरीदा जाए तो मकान वाले से पूछा ही बेचोगे मकान, तो कहा बेचेंगे, पहले कहा नहीं बेचेंगे, उसकी लड़की की शादी आ गई, तो कह रहे हाँ आपने खरीदने को आता बताइए। तो जब हम खरीदने चले तो उसको नागवार गुजर गया, तो पीछे रहता था। अच्छा दूसरे मुझे अब छोड़ना पड़ेगा वही जो और वो फिर अपने ऐसे मलियाबाद रोड शुरू हो जाती है जहाँ के आम आपने खाए होंगे। तो ये हुआ कि इस कारण से सारा कुछ टिड्डा हुआ। तो कभी आपको कभी ये पता चला कि उस आदमी को कुछ सजा हुई है या नहीं हुई है? नथिंग है। देखिए कई चीजें जो है दूसरे पे मुहावरे होते हैं ना जी, जैसे मैं तीन मुहावरों का आपको आपको देता हूँ। हाँ जी, कि आप लोग तो घी निकालते हो ना, कहते ना कि घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करके निकल आता है, तो मैंने कहा मुझे उंगली भी टेढ़ी नहीं करनी पड़ेगी, पहले से टेढ़ी थी जी, मैं बिना टेढ़ी के घी निकाल दूंगा। फिर किसी ने कहा कि ये वो एक और कहावत होती है, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, तो 36 साल का जब मैं 37 का यहाँ पे आया, मेरा एक भी बाल सफेद नहीं था और मैं धूप में भी नहीं किया, मैंने कमरे में बैठ के सफेद किया। तो कहते हैं धूप में बाल सफेद नहीं किया, मेरे ऊपर ठीक चले अब आइए उसपे उसपे क्या कहते हैं मुहावरे पे क्या क्वेश्चन था कचनी से निकला हुआ क्वेश्चन था सर, मुझे भूलने की हाँ सॉरी। चलिए ठीक है कि जो बेसिक लखनऊ से कैसे मेरा कहना था कि जो व्यक्ति ने आपको गोली मारी उसने उसको सजा भी या नहीं। एक और मुहावरा है कि भगवान की लाठी में उसकी लाठी में आवाज नहीं, उसके भी एक जस्टिस है। There were four people who conspired. अच्छा। In this whole card. अच्छा। चार लोग थे वो भी था उसके साथ एक और वही भी था उस केसेस वाला और गाड़ी पे एक ड्राइवर था वो भी था एक एक जरा चार लोग वाला मकान मालिक उनसे मिल गया था।
आज चारों के चारों मर चुके हैं। अच्छा, अभी जिंदा तो वो आपने कहा ना कि उनका जेल सब कुछ होके वो जेल बेल करते करते ऊपर ही निकल लिए। उससे मैं खुश नहीं हूँ कि वो निकल लिए, एक एक करके चल गई। मुझे लखनऊ से खबर आती थी कि वो भर गया, वो भर गया, एक एक करके चारों विक्टे गिर गई। तो जो जो पूरा आप इतने साल से काम कर रहे हैं और एक डॉक्टर के बाद आप जो है आप तो दूसरे डॉक्टर हो गए एक्चुअल में, और ये डॉक्टर भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि मतलब लाइक पूरे देश के अंदर अगर जो एक डिसेबिलिटी सेक्टर में या इस उस क्षेत्र में जो है बहुत काम लोग कर रहे होंगे, आप शायद वो इश्यू बना है, लेकिन उस समय तक जब आप इस पे आए थे इतना बड़ा इश्यू रहता है आइसोलेटेड और बिल्कुल हेल्पलेसनेस वाला जो वो प्रेजेंट करने की जो स्थिति थी। जी तिहार जेल का पिछवाड़ा है जहाँ ये आप बैठे जेल रोड वगैरह, इसके पीछे पीछे से जगह पूरी शुरू हो जाती है। हाँ, तो देखा है, इन्होंने भी देखा रहते हैं। हाँ, देखते हुए आए। तो तिहार जेल में भी जो बंद होता था अभी तो एक आइसोलेशन बिल्कुल वन रूम सेल में बंद कर देते। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे साथ भी कुछ कुछ वैसा है कि भाई मेरे को फैसिलिटीज अलाउड है कि ये टीवी भी देख सकता है, फैमिली से मिल सकता है, घर का खाना खा, कुछ प्रिविलेज के कैदे होते हैं ना। जी 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 जी, तो चीजें अलाउड होती है। तो आई एम ऑल्सो प्रिजनर इन दिस ऑल फोर वॉल, लेकिन सारी प्रिविलेजेस मुझे मिले हुए हैं। घर का खाना भी खाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, फोन भी है, टीवी भी है, सब कुछ आपको मिलेगा आप, लेकिन जाओगे नहीं बाहर, यही रहोगे। लोग आपके पास अपना बाजार है। यस, आपने वो क्रिएट कर दिया कि लोग खुद आएंगे आपके पास। मोहम्मद के अंदर गो टू द माउंटेन, माउंटेन विल कम टू मोहम्मद। यस, अगर ना होता होता आप यहाँ ना होते आप। तो बिल्कुल, अभी आपने कहा ना लोग आपको पता। तो ये जो पूरा मतलब जब से फोर्ड ने स्टार्ट किया उस वक्त से मैं बात समझ रहा हूँ कि जो खास कर आपने देखा होगा जो जो डिसेबिलिटी है उसको लेकर के हमारे समाज के अंदर जो है वो बड़ी ही विचित्र किस्म की धारणा है। और विचित्र इसलिए कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है जैसे हमारे रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो डिसेबल्ड व्यक्ति को मेन विलन वो दिखाते हैं, और जितना भी वो शकुनी होगा तो होगा, फिल्मों में होगा तो डिसेबल्ड दिखाई देगा, वो क्रूकेट दिखाई देगा उसको, और लोगों की ये धारणाएं बनी होती है। नहीं, वैसे भी गैंगस्टर जो होते हैं जी जो स्क्रिप्चर में नहीं भी है, अगर उनको विलियन पोर्ट्रेट करना होता है तो एक आंख में पट्टी बांध देंगे, काली काली पट्टी दिखा के उसको ढक देंगे, उसको लगड़ा करके चला देंगे, इसी कारण धारणा बन जाती है, पकड़ा देंगे ना। पर वो मतलब कि जो शरीर से विकृत है तो अपने कर्मों से भी वो विकृत दिखाएंगे उसको, ये कर्म की धारणा हो जो गीता में कि जैसे कर्म करेगा तो पुराने जन्म में आपने खराब किए तो इस जन्म में यही हो गया। मेरा विश्वास नहीं है, गुरुजों ने क्या किया या नहीं, क्योंकि जो जो धारणाएं हैं उसी आधार पे जो है जो स्टीरियोटाइपिंग होती है। मैं जैसे कहता हूँ कई बार आपकी बात के लिए, एक हवाई जहाज जा रहा है, एक ट्रेन जा रही है, उसमें 80 साल का बुढ़ा भी है और 8 महीने का बच्चा भी ट्रेवल कर रहा है। 7 महीने के बच्चे ने ऐसे क्या किया होगा बिल्कुल कि जो दुर्घटनाग्रस्त होके दिवंगत भी हो गया, कुछ नहीं तो फिर उनका लॉजिक ये रहते हैं कि इसने नहीं किया तो इसके गुरुजन ने किया, इसके पुराने जन्म में इसने गलत किया होगा, तो इसके नए जन्म में हो गया। तो ये जो धारणा है जो पूर्व जन्म की धारणा है ये कहीं ना कहीं जो है मेरा उसमें विश्वास, डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफिकेशन ये तो होनी है, ये तो यानी कि दिस इज ऑल प्री डिटरमाइंड, ये प्री डिटरमाइंड है। मेरा एक सेवक था लखनऊ में, जब मेरे मेरे हॉस्पिटलाइज पीरियड के दौरान बंगाली था और कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो मैंने उससे कहा ये यार क्या हो गया, फिर बंगाली था कि होना तो नहीं चाहिए, तो कहने लगे ये तो हो रहा ही था आपके घर में ना होता, आपके सिनेमा हॉल में ये इस तरह से ना होता कहीं और हो जाता, होना था अब बाथरूम में स्लिप हो जाते या कहीं चौर कहीं हो जाता आदमी को किस तरह से ये एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइफ इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी,
लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी आज भी घर से चलता है, यहाँ तो लोग लेकिन ये प्री डिटरमिन्ड नहीं है, ये प्री डिटरमिन्ड नहीं है, अनसर्टेनिटी आ रही है लाइफ इज डिटरमिन्ड बाय अनसर्टेनिटी, नो पॉइंट, वो बिल्कुल एग्रीमेंट। जब दिल्ली में तो ऐसा होता चाहिए कि पति दफ्तर जाता है तो पूरा उसको जी जी शाम तक का ऐसा भेजे जैसे वो क्षेत्र में जा रहा जी जी लेकिन वही था कि जो आपने कहा कि लाइफ इज अनसर्टेन बट नॉट नेसेसरीली प्री डिटरमाइंड है, कि जो आपने बोला कि आपने जा रहे पीछे गाड़ी ब्लॉक कर दिया। हां तो हम उस भी घर जल्दी जल्दी पहुंचा था उस दिन रात को, मुझे क्या पता कि ये दिल्ली कुछ वेट कर रहा है तो जल्दी जल्दी पहुंचे। जी जी उस दिन सिद्धार्थ बसु का फाइनल हो रहा था, वो एक क्विज देता था। अच्छा क्विज टाइम में तो फाइनल था, क्विज टाइम में जाता हूं। किसी ने कहा कि भाई नहीं हमारे यहां देख लो, जब मैं यहां से चला था डिनर के लिए भी बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने कहा नहीं, तो उन्हीं दिनों मैंने नया नया टीवी कलर टीवी खरीदा। अच्छा मैंने कहा ये प्रोग्राम तो कलर पे देखे खींच लाई ना कुछ वहां से जाके इस जगह पर पहुंच जाओ, ये तो डस्टेड हो ये होता है तुम्हारे साथ वो तो जान दिया क्या हुआ। तो जो मेरा प्रश्न है कि ये पूरे पीरियड में व्हेन यू स्टार्टेड फॉर बिटवीन 86 से तो बहुत डिप्रेशन का भी दौर रहा। वो चार साल शुरू किए इसमें तो गुजरे डिप्रेशन में, युद्ध होता था ऊपर वाले से जी कि मेरे को ही क्यों चुना गया, मेरे को साथ ही ऐसा क्यों किया गया, और भी इतने थे, मैं तो इसी फील्ड से था, मैं तो लोगों के लिए भलाई करने की कोशिश करता था, और तुमने मुझे प्रैक्टिकल दिखा दिया, प्रैक्टिकल दिखा दिया। फिर मैंने कहा कुछ ना कुछ होगा, लोगों का एक ही कोने में भला होता है, मेरे को रो लगी है तो दो में राम राम सत्य जी हुआ तो इसका कोई प्रयोजन है इसके पीछे, और शायद वो यही था कि अभी तुम्हें और काम करना है लेकिन दूसरे रूप में। मैं लोगों से ये कहता हूँ सर दिस इज जस्ट लाइक फिल्म, इसलिए जी की फिल्म मेरा बेटा फिल्म मेकर है, इट इज जॉय लाइफ इज लाइक ए फिल्म दैट वाज इन लखनऊ फॉर प्री इंटरमिशन। अच्छा पोस्ट इंटरमिशन कास्ट वही है, रोल बदल चुके हैं। वो कहते हैं ना अभी जाइएगा नहीं, अभी कहानी बाकी है। तो बात का ये है कास्ट मेरे साथ कुछ और हो गई, स्क्रिप्ट राइटर वही है जो ऊपर है। तो स्क्रिप्ट इंटरनल की बात की ज्यादा एंटरटेनिंग है या दिस इज आई थिंक दिस इज मोर रिवॉर्डिंग, मोर रिवॉर्डिंग, मोर रिवॉर्डिंग। वो भी क्या था एक आम आदमी तेरे दफ्तर जाओ 10-5 वाला काम था, 10-4 वाला, और फिर भी एक आम इंडियन तेरे रिटायर हो जाऊंगा बच्चों को बड़ा कर दूंगा उनकी शादी कर, बस मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे, तो एक आम आदमी की जिंदगी बन के रही मिडिल क्लास, कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे आ गए और अब अपने जब काम के अब ये भी एक अजीब है कि भाई अब मैंने काम किया तो मुझे आप अजीब क्यों मानते हो, नहीं कह रहे इस दशा में काम किया, मैं कहा ये दशा खो ही गई है तो काम तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये दशा हो चाहे वो अब वो होता तो शायद हम ये जो का सोचते थे। वन थिंग लीड्स टू अनदर, यस एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, चोट लग गई बट ये सारी चीजें थे, एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस व्हेन यू हैव काइंड ऑफ कन्विक्शन करेज एंड डिटरमिनेशन। मैंने कहा देखो जी करता तो है, देखो मेरे पास नॉलेज भी है, मैंने मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा मैंने 3 साल दिल्ली में पढ़ाई करी, 18 साल नौकरी करी, 31 4 साल का 5 साल का तजुर्बा है मेरे पास शुरू के बाद जी 35 साल जी 18-25 हाँ 18-21 और 25 साल का तजुर्बा है, नॉलेज है जो मैंने पढ़ा वो तो कोई छीन नहीं सकता कोई जी बिल्कुल, और खालीपन है उस खालीपन के स्लॉट को कैसे भरे, तो ये तीनों फैक्टर ने मिलके मुझे प्रेरित किया कि भाई राजेंद्र ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा, यू आर सिंपली लाइक बैक एंड डूइंग नथिंग, कुछ करो तो सही। तो तब जब करने को बात शुरू हुई तब सोचा कि अब क्या करें क्या करें क्या करें, तब अपने कार्य वही करो जो आता है। तो इसका एक मतलब और भी है कि जब आदमी जो है ये पॉजिटिव काम करता है, मतलब दिस एफओडी आपने जो क्रिएट किया, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज डन पॉजिटिव थिंकिंग को लेके पॉजिटिव वर्क,
आपने उनकी एनर्जी देख के, ताकत देख के, जो भी है। तभी हम लोग को 25 अवार्ड मिल चुके हैं संस्था को जी, जिसमें से 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी है। तो पॉजिटिव मेरे पर कोई धन नहीं बचा, मेरी नौकरी चली गई, मेरी स्वास्थ्य चला गया, मेरा परिवार छिन्न-भिन्न हो गया था। अब ये सोचा था कि पहला तो ये प्रश्न था कि बड़े क्यों बड़े होंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक ही लेडी दो बच्चों कैसे पालेगी, और बच्चों और बैंक का जॉब है वो भी करती रहेगी तो घर कैसे चलेगा, पूरा माहौल ऐसा हो जाएगा कि बच्चों को बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद रोल रिवर्सल हो गया, मैं घर देखने लग गया, वो बाहर देखने लग गई। मैं रोजगार चाकर को देखता था, कुत्ता बिल्ली जो भी पाल रखे उनको देखता था, आने जाने वाले गेस्ट को देखता था, आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मैं बन गया पत्नी, वो बन गया पति। तो आपने मतलब जो बच्चों की नर्चरिंग और पूरा जो घर का हम बिल्कुल नहीं किया, सब मैंने नहीं किया। नहीं नहीं मतलब आप घर पे देखते रहे। हाँ हाँ नहीं, घर पे रहना भी बहुत बड़ी बात होती है, उसको लोग हल्का समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत। कल वो बेटा बेटी बैठे थे तो याद कर रहे थे अपने बचपन को जो फोटो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग ना किताब ला के उनको कहते हैं सुनाओ, छोटी पतली पतली इंटरेस्ट मिलती थी, मैंने कहा सुनाओ। तो वो अब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेशनलिस्ट हुई है कुछ, फिल्मी गाने सुनाने की जगह अभी नेशनल के वो गाने ले आए थे किताबें जो नई भक्ति की होती जी, अब सुनाओ बारी बारी वो सुनाते थे जी, और कभी दोनों मिलकर सुनाते थे। तो मैंने कहा कि इस और इनको बाहर जाने नहीं दिया जाता था कि बैठ के पढ़ो, इसको वहाँ बैठाता था सामने दरवाजा खोल के बैठ के, एक को यहाँ बैठाता था, इकट्ठे हो गए तो खेल कूद करेंगे। दैट इज हाउ आई पास माय टाइम एंड आफ्टर इनिशियल फिजिकल एंड मेंटल शॉक ऑफ 4 years, 5 साल में जब ये हुआ कि कुछ करना चाहिए, तब सुध आई कि भाई ये बताना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगी, वो भी बता लिया। फिर आया कि चलो अब इसको कुछ करते हैं। सबसे पहला काम किया था कंट्री में इंग्लिश भाषा में डिसेबल्ड पे कोई मैगजीन नहीं थी जी, मैंने कहा बेड में लेटे लेटे यही करेंगे। फिर लोगों ने निराश किया जी, हतोत्साहित किया, तो प्रिंटर्स को नहीं जानते, ये लाइट बड़ी खराब है जी, रोज फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो दौड़ सकते न कर सकते, कौन जाएगा कौन लाएगा कौन क्या होगा कौन प्रूफ है, ये मैंने कहा होने दीजिए ना जी, नहीं होगा तो चुप कर फिर लेट जाऊंगा। हाँ एक कर तो दे दी, करके फेल हो गया, अफसोस नहीं होगा कि मैंने बिल्कुल बिल्कुल वो भी प्रयास किया। सही बात, शायद करते तो शायद कर जाते। तो आई कॉन्टिन्यू लेते। व्हेन डिड द फर्स्ट इश्यू ऑफ फॉर्टकिन द मैगजीन? 94 में 92 में वो दो साल तो मुझे रजिस्टर जी जी लाके निकाल दिया। अभी तक जो है कितने इश्यूज आपने निकाले? कम से कम 11 में बंद कर दिया क्योंकि फिर हां नहीं हां उसके बाद भी तो बहुत दो साल 1992 में से वो निकाले 2011 तक, और 2002 में जो आपको जाता है न्यूज़लेटर जी न्यूज़लेटर वो जा रहा है, वो अभी भी चल रहा है, इसके अंदर अलमारी खोल के न्यूज रखा। हाँ ऑनलाइन भी आपके पास में अभी जो चल रहा ना पोर्टल भी चल रहा है, उस पर भी आप रेगुलर लिख रहे हैं? नहीं वो थोड़ा सा पिछड़ गया, उस पर अब ट्राई कर रहे हैं कुछ और अपडेट की मदद से, क्योंकि पीटी बिजी हो गई है। मुझे हमने नया सेंटर बनाया जी सत्यवेद जेते के बाद। हाँ जी सत्यवेद जेते में चूज किया गया था संस्था को। हाँ जी डिसेबिलिटी सेक्टर में केवल 2 संस्थाएं चूज करी है, सिखा रहे हैं, और आने वाले समय में मतलब पाकशास्त्र स्किल्स भी सिखाएंगे। अच्छा और चीजें भी करेंगे। तो वहाँ पर जो सेंटर आपका है उस सेंटर में मतलब रहने की फैसिलिटी वहीं पर ही है या बाहर से आते हैं? खटका ही रहेगा कि क्या होगा। अच्छा मतलब घर में बैठे हैं जी जी। तो अभी जो हॉट का जो एक्टिविटीज हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हॉट इन द लास्ट सो मेनी इयर्स, एक दो तीन आपके जो आपको लगता है जिसमें यू विल फील मोर सैटिस्फाइड। हॉट ये
ये नहीं, ये लेटर का था, मदर टेरेसा। अच्छा, मदर टेरेसा का लेटर इसमें आया है। धन्यवाद जो लोग नेताओं का और ये और वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का लेते हैं। अच्छा हाँ, आई थॉट दैट आई शुड गो टू मदर टेरेसा एंड उनका भी लिया और बाबा आपने का भी आशीर्वाद लिया था। तो अचीवमेंट के तौर पे क्या लगता है आपको कि जिसको देख के आपको आप बोलेंगे ये सारे वाले प्रोग्राम। अच्छा तो प्रोग्राम तो है लेकिन कई बार ये है कि जो आपको लगता है कि अभी मैं देखिए तो देखना है तो ये है कि किसी के घर का किचन में आग जलती रहनी चाहिए। अच्छा, चूल्हा जलता रहना चाहिए, मेरा मकसद वो है आग से। और जो इनको हम डील कर रहे हैं वो आठवीं सातवीं पास है, कोई डिग्री पास है, कोई बिल्कुल ही दूसरा चाप है, वो 3% 4% की रिजर्वेशन की कैटेगरी पे भी आते हैं और उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती डिसेबिलिटी के कारण और अनपढ़ होने के कारण। लेकिन माँ बाप उनके भी है, परिवार उनके भी है, उनका जीवन यापन कैसे हो ये सोच के हमने अपना रोजगार स्कीम स्टार्ट करी थी, जिसके अधीन हम उसको एक सॉफ्ट लोन देते हैं इंटरेस्ट फ्री। अच्छा, हमने 2,500 से शुरू किया था, आज हम लोग 6,000 दे रहे हैं। अच्छा, और वो धीरे धीरे लौटाएगा और हम 6,000 जो देते हैं कैश नहीं देते, वो उसने चाय की दुकान खोल ली है जी जी, तो उसको लेके सारा सामान खुद जाके वाला व्यक्ति वो सामान लेके उसको देता है, हम एक साथ खर्च करेंगे जी, और वो हमें धीरे धीरे लौटाएगा और ठीक ठाक अपना रिकॉर्ड रखेगा तो दूसरी बार लेने का अधिकारी हो जाएगा। जी जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और इस तरह के करते 800 से ऊपर हो गए हैं लोग। अच्छा, 800 से ऊपर लोग आपने हेल्प कर चुके हैं जिसको ये वाली स्कीम पे किया जी। 1700 को हम एजेंट अप्लाई से दे चुके हैं। अच्छा, 150 आर्टिस्ट हमारे डेटाबेस में है जिनके लिए प्रदर्शनी उनके कला की और उनके मूर्तियों की लगाते हैं। अच्छा, और ज्ञान पथ के अधीन हमने करीब 125 बच्चों को जो भी स्कॉलरशिप। हाँ, कि जनरली स्कॉलरशिप तो नहीं कहते हम उसको, कि वो उसमें कोई वापसी जो होती कुछ नहीं होता जी, तो वो 10,000 रुपया प्रति प्रति छात्र एक साल में देते हैं। अच्छा, और केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक इवन इन प्रोफेशनल कोर्सेज जब फीस पड़ती है बस एक ही क्वालिफिकेशन है कि आप डिसेबल होने चाहिए। जी जी जी, वो तो बिल्कुल। अब ये जैसे पेंटिंग लगती है तो पेंटिंग में भी आप डिसेबल्ड हैं तो आपकी कृति वो करी जाएगी, गैलरी में लगाई जाएगी, अदरवाइज नहीं लगाई। जी जी बिल्कुल, वो तो जब उस पर्पज के लिए है तो दैट इज फेयर। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अभी आपके टारगेटिंग की अभी तक मैं ये नहीं कर पाया लेकिन आई वॉन्ट टू डू दिस? जो पहले तो ये था कि एक सेंटर अपना जी, बहुत झकमारी जगह भी खरीदी गई, सरकार से नहीं मिली जी, लोगों से पैसा इकट्ठा किया, एक एक पैसा अपने खर्च करने के पहले 10 बार सोचते हैं जी बिल्कुल, कि भाई यहाँ पे जरूरी है भी कि नहीं है जी। वो करके जमीन खरीदी, उसके बाद जब सत्यवेद जेते हो गया तो उस पैसे से बिल्डिंग तैयार कर दी। अब ये है कि हमारा अरमान यही है, यही इच्छा भी है कि वहाँ दैट प्लेस शुड बी हमिंग विद एक्टिविटी। यस, हमिंग विद एक्टिविटी, जहाँ पे इतना काम धाम बढ़ जाए। अभी पिछले अक्टूबर में ही तो वो उसने बिल्डर ने हमको बिल्डिंग हैंड ओवर की है। अच्छा, अक्टूबर था शायद, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। अच्छा, तो 2-3 साल इसको भी बोलते हुए 25 साल हो गए करते हुए जी जी, उसको भी 2 साल में मेरे ख्याल से इस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे यदि हमारे शुभचिंतकों ने सहायता करी और भगवान की कृपा रही तो वो भी हो जाएगा। अब हमने किसी जब किसी भी एनजीओ में हमने भी नहीं देखा जो नया नया हो हमारे स्तर का जी, वहाँ पे हम लोगों ने सोलर सिस्टम भी लगा दिया। अच्छा, और हमने लिफ्ट नहीं, जानबूझ के लिफ्ट भी लगाई जी जी जी, बत्ती चली जाएगी तो लिफ्ट कहाँ से चलेगी। हाँ जी, हाँ जी, लिफ्ट के लिए फिर लिफ्ट बैन रखे, फिर और क्या फिर बच्चे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, AMC उसकी जो है लिफ्ट की एनुअल मेंटेनेंस 75,000 मांग रहा था। तो हमने केवल उसमें रैंप रखा, रैंप से आप सिर्फ 3 फ्लोर पे पाइए। अच्छा, लेकिन लिफ्ट लगा रहे हो तो मेनली उस वक्त हम लोग के लिए लग्जरी थी। नहीं बिल्कुल, उसके लिए
स्कोप रखा हुआ, कभी ऐड होनी होगी तो देखा जाए। जी 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 जी। तो ये जो आपने तो इतना बड़े काम किए इस चीज को लेकर कि मतलब दिस इज एन एग्जांपल हाउ डिटरमिनेशन एंड कन्विक्शन कैन मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी हो उसका डिसेबिलिटी नॉन एबिलिटी व्हाटएवर। लेकिन जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो डिसेबिलिटी को देखने का जो तरीका है, खास कर को जो जिस तरीके से जो नजरे से लोग देखते हैं, पहले तो पुरुष, अगर पुरुष ने महिला अगर डिसेबल हो गई तो उसका तो हाल और भी बुरा है। ये नजरिए को बदलने के लिए क्या करना होगा? सबसे बड़ी बात तो है कि कुछ एक तो ये कि ये हम लोग को ना परमानेंटली सिक समझा जाता है। ये ऐसा व्यक्ति कभी ठीक ही नहीं होता। उनको ये नहीं मालूम कि बीमारी में और विकलांगता में क्या अंतर है। फर्क है बिल्कुल। वो हमें भी बीमार समझता है। वो जब किसी को कोई भेजेगा ना मेरे पास, वो जो लेटर रहते हैं वो बीमार है, वो मैं किस हिसाब से बीमार हूँ क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बीमारी और उसमें फर्क है, बिल्कुल फर्क है। जो कि समाज को अगर वो नहीं समझ रहा तो दोष हो जाता है, हमें समझाना है जी कि बीमारी इसमें क्या अंतर है। तीसरी दूसरी बात, हम बेचारे नहीं है जो बिल्कुल यूज करते हैं। अब हमें मौका दीजिए, अब अवसर दीजिए, फिर हम प्रूव करके दिखाते हैं हम क्या है और क्या नहीं है, क्या नहीं कर सकते, जिससे आपके अच्छे भले सेहतमंद लोग भी तो निठल्ले घूम रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम निठल्ले रहे तो क्या कोई आकाश थोड़ी फट जाएगा? ये तो काम ही नहीं करता, लेटा रहता है, ये तो ये बैठकर भी बैठा रहता है। अरे आपके अच्छे भले लोग भी तो घर में बैठे, क्या वो सभी ब्लाइंड है? मोदी जी वैसे रोते रहते कि इतने एम्प्लॉयड है, इतने वो है, सभी तो इतने करोड़ लोगों को नौकरी नहीं है। तो जब वो एम्प्लॉयड है तो हमारे अनएम्प्लॉयड वाले में इतना हाहाकार क्यों मचा रहे हो? लेकिन हम लोग एम्प्लॉयड भी तो है नहीं। एक दूसरी लोग जो है या तो देखेंगे कि बिल्कुल उसको दया दृष्टि से देखेंगे कि उनको अपने इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, इतना की कोशिश करेंगे दयावान बना करके, मतलब एक काइंड ऑफ हेल्पलेस क्रीचर बेचारा। और दूसरा होगा तो उनको आगे नहीं आने देंगे। इस टाइप के भी लोग हैं जो जिनके बच्चों को अगर देखें कि वो डिसेबल्ड है तो उनकी हालत खराब कर देंगे, उनको बुरी नजर से देखेंगे। मतलब दिस काइंड ऑफ पीपल आल्सो एग्जिस्ट। एक बार ये लोकल पत्रकार आए जी, कॉलोनीज के अंदर ही अंदर न्यूज़पेपर चलते हैं जी, पता होगा आपको। हां बिल्कुल। एक जनकपुरी एक्सप्रेस और फलाना ये जी, तो एक मिस्टर रोड़ा हुआ करते हैं, काफी पहले की बात है, शुरू शुरू की तीन चार साल ये दो साल तीन साल हो गए, वो आए और यहाँ बैठ गए। तो मैंने कहा कि ये क्या कहने के लिए आपसे बात हुई थी, हम अपने उसमें आपकी स्टोरी देना चाहते हैं। तो पूछे थोड़ी देर बाद देखा तो रो रहे थे, रो क्यों रहे? कहते हैं कि आपकी दशा देखे हो तो पानी लाओ, पानी जल्दी से पानी लाओ, पानी पिलाओ, थोड़ा ढालस हो रहा हूँ। क्यों रो रहे? कहते आपकी ऐसी दशा है, ये है वो है, मेरा दशा है या दुर्दशा है, जो भी है, जब मैं नहीं रो रहा अपनी दशा पे तो आप क्यों रो रहे? आपको तो कोई हक नहीं मिलता। जी 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 बिल्कुल। इसलिए आप बच रहे। तो बुजुर्ग थे मेरे कंपनी में, जब दिमाग में साइकोलॉजिकली जो चीज आती है कि कल मैं अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है वो कोई बात नहीं, चुप रही। तो फिर चुपचाप हो गए, फिर इंटरव्यू दिया। लेकिन ये जो जैसे आप इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि एक 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 क्षेत्र आता है जो हमारा एजुकेशन का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र, और ये जो एटीट्यूड जो लोगों के डेवलप होते हैं वो बचपन से ही, अगर हम हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी हो गया, हम बोलते हैं कि कास्ट की डाइवर्सिटी होनी चाहिए, रिलीजियस डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक बड़ा सेक्टर डिसेबिलिटी का भी है। अगर रोज लोग देख रहे हैं काम करते हुए, अगर मेरे साथ में एक व्यक्ति है जो डिसेबल्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड, व्हाटएवर यू कॉल, और वो रोज काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली है, तो मेरा एटीट्यूड वैसा नहीं होगा जो ना देखने से होता है। क्योंकि शायद ये है कि लोग उनको दो तरीके से देख रहे हैं, तो स्ट्रीट में जो बेगर्स हैं उस तरह हमें भी ये सोचते हैं, ये भी सोचते हैं कि डिसेबल्ड हो गया होता क्यों है, ये डिसेबल्ड तो जोक से कट करता है, इसको तो सॉरी होना चाहिए, इसको उदास होना चाहिए, इसको
रोड है चाहिए, ये सब दुनियादारी की बात है, इसको नहीं करनी चाहिए, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकता, इसको भी कट ऑफ, ये हेल्प नहीं, ये हेल्प क्यों नहीं मांगता है, ये सिर्फ डिसेबिलिटी में ही बात करे जी, और कुछ ना करे, मैं भी डिसेबिलिटी की बात करूँ तो मैंने कहा कि आप बैठिए सब कुछ करिए, लेकिन डोंट डिस्कस माय डिसेबिलिटी योर माय गेस्ट, यस और ज्यादा ज्यादा ये पूछ लीजिए कब हुआ कैसे हुआ, जी 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 एंड आई कैन डिस्कस विद योर पॉलिटिक्स, आई कैन डिस्कस विद फिल्म, आई कैन डिस्कस जी जी एनवायरनमेंट, तो बाहर नहीं गया तो क्या हुआ, लेकिन चीजों को मैं दिमाग में पढ़ता हूं, अखबार में पढ़ता हूं, मैं बातचीत तो कर सकता हूं, दिमाग मेरा सक्रिय है, जी 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 बिल्कुल, इट इज इफेक्टेड बट नॉट माय दिमाग, यस यस एब्सोल्युटली, तो वो अभी आपने पूछा समाज का क्या नजरिया है, एक सज्जन एक बारी आए और ये दरवाजा खुला ही रहता था जी, तो पिता के मित्र थे तो एक रिवाज था, एक रिचुअल था, एक वो था औपचारिकता थी जी, कि चलो जोर साहब का लड़का आया है लखनऊ से, चुटीला है, चलते उसको देख आते, उनका हालचाल भी आते, मेरे पास बैठे 5 मिनट बैठे, फिर अच्छा बेटा ये वो ये, और चूंकि दरवाजा खुला तो आई कुड ओवर हियर, फादर चल रहे फादर से पूछते हैं इसका दिमाग ठीक है, मैंने कहा आ जाइए अंकल जी आओ ये बैठ जाओ फिर से, मैंने कहा ये बताओ अंकल जी कि मैंने कोई आपसे 5 मिनट बैठे कोई ऐसी बात करी जो आपको लगे कि मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ जी, कोई ऐसी बात लगी जो मैं मुझको नहीं करनी चाहिए थी जी, कुछ ऐसी बात करी जो कि नॉर्मल इंसान से हटके करता है जी जी, आपको भी पता लग गया कि शरीर के विकलांग होने से जरूरी नहीं कि दिमाग भी विकलांग हो जाए जी, आप जाइए नहीं, ये क्योंकि ये सब चीजें इसलिए कई बार लगती है कि जो हमने शब्दावली भी चुनी है, विकलांग, अक्षम, हैंडीकैप, मतलब कुछ शब्द ढूंढ के, अब दिव्यांग एक नया शब्द आ गया, जैसे कि बहुत बड़ी आशीर्वाद है भगवान का कि जो बन जाता है, तो ये शब्द ही कहीं ने मारते थे लोगों को, जैसे हम बोलते आए विकलांग आ गए, बुलाइए बुलाइए, ऐसा नहीं लगता कि ये शब्दों से ही जो है आदमी को आप पहले उनकी पहचान बना दे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी डिग्निटी को आप जो है उस शब्द से ही खाली बुला दीजिए या किसी और को जो भी है, तो वो फिर राम गोयल पे ऐसे कई बार फोन पे डिस्कस हुए, उन्होंने भी कई बार नई टर्मिनोलॉजी लाने लगे, चल लाए भी हो गए यूज भी करते हैं जी, कहते हैं कि सब शब्द तो ठीक नहीं होता, ये भी ठीक नहीं होता, वो भी ठीक नहीं होता, निशक्त जन भी एक वर्ड है, अच्छा वो भी हो तो और भी वो भी कई कोई यूज करते हैं, मैंने कहा सीधा सीधा वर्ड यूज करोगे जो, हाँ जो सीधे है, लेकिन निशक्त अक्षम अशक्त तो नहीं बोल सकते हैं, जो आदमी सब कुछ काम कर सकता है, आपने जो इतने बड़े बड़े काम किए हुए हैं इनको लेकर के कैसे कोई बोल दे कि ये अक्षम है या निशक्त है या वो है, बल्कि नविता ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कॉमन मैन के लिए, जो 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 प्रसन्न उन्होंने अकलांग शब्द इस्तेमाल कर दिया, ये जो लोग जो है मतलब जो हमको विकलांग बोल रहे हैं उसको वो खुद उस वो शब्द इस्तेमाल करेंगे, तुम लोग तो ढंग से काम नहीं करते, सड़क पे चलते कोई चीज फेंक देते हो, गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, कूड़ा फेंक रहे हो, वो कर रहे हो, तो एक एक सज्जन ने नविता जैसे एक सज्जन ने किसी ने कहा मेरे से पूछा कि हम लोग तो चलो डिसेबल्ड है इनको क्या कहेंगे तो मैंने कहा क्या कहेंगे, कई लोग सकलांग भी कहते हैं, मैंने कहा बताओ आप, मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, नॉन डिसेबल्ड के लिए एक वर्ड है दैट इज टैप, TAP, मैं कहा टूटी डल डल अच्छा डल, मैंने कहा डल नहीं डल नहीं, मैंने कहा फिर क्या है, तो कहता तुम बताओ ना तुम वो तो अपने को समझते हो, मैंने कहा समझ ना कुछ नहीं पर ये तो तुम्हारी पहली होगी ना जी जी, तुम्हारे इसका क्या अर्थ है क्या नहीं है क्या नहीं मुझे नहीं पता, तो क्या करेगी, कह रहे टेम्परेरली एबल पर्सन, टेम्परेरली एबल पर्सन, ओ बाप रे टेम्परेरली एबल पर्सन TAP, ओके बोलो बाकी ये है वो टेम्परेरी एबल है, कल उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, ये बहुत सही बात तुमने बोली बिल्कुल, वो ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि किसी के साथ भी ये कभी भी हो सकता है, और अगर हम लोगों का एटीट्यूड सही है शुरू से लेकर के, विकलांग तो बाद में हुआ ना संसार में आने के बाद, जी जी व्यक्ति ही पैदा हुआ पहले, क्या था
व्यक्ति ही पैदा हुआ। हाँ जी, व्यक्ति ही पैदा, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी और बात है कि वो जेनेटिकली लोग जानते भी वो बोलेंगे अरे साहब वो है, वो जो लंगड़े हैं उनको बुला दीजिए, उनका नाम नहीं है क्या, उनको उनका जो जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपमानजनक है। और इस सब मैं कहता हूँ, जब कहता हूँ मुझे बाहर जो क्रचेस पे है या व्हील चेयर पे है उनको बुला दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब व्हील चेयर तो हमारी चुनाव चिन्ह बन गया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो क्योंकि हमारे जो लगातार जो सोशल पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते हैं, जो उस डिस्कोर्स में जिस तरह से विकलांगता को पेश किया गया है वो सबसे खतरनाक है। वही अवेयरनेस चाहिए और काफी इस पे काम होना चाहिए, तभी उनको एक्सेप्टेबिलिटी भी। परसों आपने यूज किया था इंपोर्ट वर्ड, दे हैव टू एक्सेप्ट अस कि दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर यूनिट ऑफ द सोसाइटी। और ठीक है हम जीवन की दौड़ में पिछड़ गए, हम आपकी तरह देखने नहीं लगते, हम कुछ कुछ नहीं है, कुछ शारीरिक कमियां हैं, लिमिटेशन है, बट किसी पास लिमिटेशन नहीं है, एवरीबॉडी हैज लिमिटेशन। कोई 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 अब दिल्ली में है, पीपल आर वाटर चैलेंज्ड, उनके टूटी पानी नहीं आता। कोई संस्कारों से चैलेंज है, बिल्कुल। कोई वेल्थ से चैलेंज है, चैलेंज तो हर व्यक्ति है जी। हम लोग फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, तो उसको मतलब एक कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं ना जी। वो उनकी सोच वही तक है इसलिए वो करते हैं। और ऐसे ही तो कई संस्थाएं हैं जिन्होंने 40-40, 50-50, 100-100 लोग डिसेबल्ड ही इम्प्लॉय कर रखे हैं जी जी जी। उनका क्या काम भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जी जी बिल्कुल। नहीं वही वही सबसे सबसे हम लोगों ने 10 अस्पतालों में जी 10 अस्पतालों में हमने देखे जी, इस जगह हमने इतने अस्पताल लिखे। हाँ जी हाँ जी। हमने हॉस्पिटल और होटल्स में अच्छा अच्छा दे रखे जी जी। 9 अस्पतालों में नाम दे रखा, काम हो रहा है ना, दूसरे लोग भी करते हैं। पर वाली ठीक है, गति धीमी होगी, बदतर होगी, पछुए वाली होगी, पर कर तो रहे मेरे काम। सर बात यह है कि मैं अवसर की बात है, अवसर प्रदान करने की बात है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। यस एंड सेकंड थिंग इज दैट लाइक मैं एक बार अमेरिका गया, तो जब मैं न्यूयॉर्क में जा रहा था ना, आई यूज टू टेक बस न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के जाने के लिए, तो मैं देखता था कि ज्यादातर लोग जो बस यूज करते थे सिटी बस, वो ओल्ड और फिजिकली चैलेंज लोग होते थे। और क्योंकि वो मेट्रो में जाना पसंद नहीं करते थे, तो बस में रुकेगी, बस आराम से नीचे वो उसका करेगा प्लेटफॉर्म, और ड्राइवर बैठाएगा ड्राइवर बैठा के, और तब जब वो आदमी बैठ जाएगा गाड़ी में, तब दूसरे लोगों को वो अंदर अलाउ करता है, एंड पीपल वुड वेट फॉर दैट पेशेंट, फिर अंदर जाएगा जी जी, और जहां पर रुकेगा वहां पर भी ड्राइवर गाड़ी को फुल ब्रेक लगाएगा, पूरा की ऑफ, और तब उनको उतारेगा, और तब बाकी लोगों को अलाउ करेगा। कई लोगों ने आके जो घूमगा क्या है कि रेल लाल बत्ती में पहला अधिकार विकलांग व्यक्तियों का है जी। वो पार करते करते उठे तो सारा ट्रैफिक रुक जाता है, पहले उनको पार होने दिया जाता है, तब यहाँ तो कोई परवाह ही नहीं है। यहाँ पर तो ये है कि आप घर के ये जो चीजें ऐसी बना रहे हैं जिसमें किसी न किसी को हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो यू वॉन्ट पीपल टू टेक हेल्प, यू डोंट वॉन्ट टू गो इंडिपेंडेंटली, और वो ज्यादा खतरनाक है कि जैसे रैंप हो तो वो ऐसी हो जगह पे, हम कई बार एयरपोर्ट तक पे कई बार भी रेलवे स्टेशन पे व्हील चेयर नहीं होता है, और अगर मिलेगी तो ऐसी होगी जिसका एक पहिया चल रहा होगा दूसरा नहीं चल रहा होगा, हो गई भी है। और हम लोग की तो बहुत कई बार हमने देखा इस चीज को लेकर के, लगातार जब ट्रैवल करते हैं तो ऐसी कंडीशंस हैं कि जो एक बार हम नेपाल से आ रहे थे दिल्ली, मैं इंटरनेशनल फ्लाइट की बात बता रहा हूँ, और दिल्ली एयरपोर्ट पे हमको जो है व्हील चेयर नहीं आए, तो बाद में जो बड़ी गाड़ी होती है जो क्रेन टाइप की, वो क्रेन में बैठ के हम लास्ट में आए, 1.5-2 घंटा हो गया। तो ये स्थितियां अब तो बन गया, अब तो खैर नया एयरपोर्ट हो गया, तो अब तो काफी जी। ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स है या सोशल जस्टिस एंपावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स भी है जी जी। तो आप क्रिकेट हो रही है, हर हर कमर्शियल बढ़िया है वो कर रहा, हर ओवर के बाद कोका कोला, हर ओवर के बाद पेप्सी, ये वो, तो आप क्यों नहीं ये डिपार्टमेंट दिखाता कि हर ओवर के बाद दे रहा, 4 ओवर के बाद या 5 ओवर के बाद या
या विड्रॉल होता है कि ये फैसिलिटी डिसेबल लोगों को मिली हुई है, इसका लाभ उठाए, इसके लिए यहाँ जाए हटा दे, फिर कोई चीज़ बार बार दिखाएंगे, लगातार दिखाएंगे तो उसका ऑडियो विजुअल इफेक्ट पड़ता ही है। तो उन्होंने अपना जो मीडिया है, जो अपने साधन है, उसका जो अवेयरनेस के लिए भी कह रहा हूँ, उसका भरपूर सरकार इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, इस्तेमाल केवल सरकार अपने प्रचार के लिए करती है। अगर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो तो हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। आप महिला पे जब बच्चों की बात आई, तो बच्चों के बारे में उनका जो विज्ञापन आया कि भाई अगर लड़की नहीं बचाओगे तो बीवी कहाँ से लाओगे, मतलब तो ये मतलब लड़की को बीवी से आपने जोड़ लिया, केवल उसका इंडिपेंडेंट कोई वजूद नहीं। ऐसी अगर हम लोग को कास्ट में, छुआछूत में, डिसेबिलिटी में, सारे प्रकार के विज्ञापन, तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो उसके पास करोड़ों रुपया है, रोज हर साल विज्ञापन देते हैं, तो हर एक घंटे में विज्ञापन भी दिया जा सकता है। उत्तर यूपी में जो इलेक्शन हो रहे हैं जी, या तो दम रह गया कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि पूरे पेज का विज्ञापन नहीं आता है, ये क्या ये क्या ये क्या, फिर आ जाएगा वो तो दूसरे विभाग का, वो सब कई अखबारों को साइमल्टेनियसली आ रहा है, जी करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। तो ये जो समाज में हम लोग जो पिछड़ गए हैं, जो जीवन की दौड़ में, उनके लिए भी करते हैं, लेकिन सभी कुछ ज्यादातर जो विज्ञापन में पैसा जा रहा है वो सरकार अपने प्रचारों में लगा रही है, स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक। और आपका और मेरा पैसा जा रहा है, वो स्टेट हमारा टैक्स पेयर्स बनी है, और उस के चलते जो है वो जिस चीज पे जाना चाहिए उस चीज पे नहीं जाता। जैसे आपने बहुत अच्छा आइडिया दे की डिसेबिलिटी को लेके वो उनकी योजना, मैं वो तो योजना ही क्यों, अगर चार प्रकार के, पांच प्रकार के विज्ञापन सरकार एक बार बना ले साल में, जो हम जानते हैं कि इस प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन इस सोसाइटी में हमेशा से होती आई है, तो जाति को लेकर, छुआछूत को लेकर के, डिसेबिलिटी को लेकर और जेंडर को लेकर, इन चार पे अगर छोटे छोटे भी विज्ञापन लगातार बमबार्ड करती रहेगी हर मैच से पहले, हर न्यूज से पहले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फर्क लोगों में पड़ सकता था। लेकिन वो काम कभी वो करने वाले नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी मानसिकता में वही जब है पिक्चर शुरू होने के पहले लोग अपमान करते हैं, खड़े होते हैं, बिल्कुल उसकी जगह ये पड़े ना पड़े जी 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 जाए, लेकिन इस तरह के विज्ञापन दे दे कि हम ये बीच के लोग हैं, बिल्कुल, और ये नहीं कि कोई क्लास इससे छुट्टी रह गई, जी जी, मतलब कि ठीक है ना, जिन्हें को ये झुग्गी झोंपड़ी ये या विकलांगता ज्यादा होती है, क्योंकि हाजिरी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन गाड़ियों के एक्सीडेंट, आतंकवादी का मारा, गोली चलना और बाकी तरह के जो बहुत किस्म के, जी बिल्कुल, और वो फॉरेन में स्पोर्ट्स एक्सीडेंट बहुत होते हैं, जी जी जी, उससे भी कई लोग डिसेबल बनते हैं, तो कई तरह से हमारे यहाँ भी डिसेबल होते हैं। तो फौजी कितने होते हैं, जी जी, वो भाषा तो उनके लिए भी जो है कोई अफसर गरीब तबके में भी डिसेबिलिटी होती है, कोई भी हो सकता है, बड़े तो कहीं भी है, क्रॉस भी कहीं भी है, लेकिन क्योंकि नजरिया हम लोगों का ये है कि हम क्योंकि सड़क पे चलने वाले भिखारी देखते हैं, जो कि एक कई बार उनमें ज्यादातर लोग रैकेट का शिकार भी हैं, जो बच्चे को कैसे वो ऐसे भयावह उनकी डिसेबिलिटी होगी, वो चीज आपके आगे कर देंगे, जी 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 जी, जनरेट सिंपैथी फॉर द चाइल्ड, भैया वो डर जाएगा आदमी, डर के आप पैसा दे देगा, ये भी दिमाग में रहता है ना कि कई बार जो है ऐसा रहेगा कि बैठे हुए हैं। तो आप कह रहे थे कि जो रिहैबिलिटेशन पार्ट है जो डिसेबल्ड लोगों के लिए, आर्थिक बहुत काफी आवश्यक है जी, बाकी पढ़ाई लिखाई भी आपकी जगह और चीजें कम से कम स्पेस जो है उनके लिए प्रॉपर हो, जो एक्सेसिबल हो इजीली, गवर्नमेंट प्लेसेस खासतौर से, अब आप स्टेशन जाइए रैंप कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, व्हीलचेयर कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, पोस्ट ऑफिस इतने हैं, बैंक इतने हैं, हर जगह ज्यादा एक दो बड़ी क्वेस्ट होता है, देश काफी घूम आया आपको पता ही होगा, बहुत फर्क है, बाहर में कोई आपको पूछता तक नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट, आपकी डिसेबिलिटी पे आपके उस पर डिस्कशन नहीं होता, फिजिकल अपीयरेंस नॉर्मली लोग आपके विचार पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कि पहले सवाल आपको यही पूछा जाता है कि आपको कब हुआ, कैसे हुआ और आप डॉक्टर के पास गए या नहीं, तो ये सवालों के जवाब बार बार, मतलब कई बार इतने क्रूड होते हैं लोग, मतलब उसको कि वो वही जानना चाहते हैं, अगर आपके साथ बैठे होंगे वो संतुष्टि नहीं, जब तक पूछ डाले, एक आदमी की शादी नहीं हुई, 50 का हो गया, अपनी शादी क्यों नहीं,
अरे उसके बहुत भी तो टट्टे हैं पूछने के लिए, और भी प्रश्न है, और भी क्षेत्र है, उनकी शादी का आप कराओगे क्या? नहीं बिल्कुल, वो कुछ चीजें जो है हमारे जो सामाजिक जो सोच है और सामाजिक जो स्वरूप है जिसमें जो है रंग, हमारी जाति, हमारी अपीयरेंस, ये जो हमारे सिस्टम में जो हमारी जो पूरी व्यवस्था है उसमें एक तो हम लोग दूसरों से देखने में भेद है, ये भी क्या सरकार है, हम नॉर्मली चलते नहीं, नॉर्मली उठते नहीं, नॉर्मली बात नहीं करते, नॉर्मली देख नहीं पाते, नॉर्मली सुन नहीं पाते, ये भी एक कारण है कि उनकी जिज्ञासा को मतलब स्टिमुलेट करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता, ये भी तो कि हम भी तो ये है कि जितने जो काम करते हैं वो अपने ही सर्कल में करते हैं, कि मेरे खानदान, मेरे चाचा ताऊ जितने, अगर हमारे फैमिली में कोई है उतना तो हम देख लेंगे, उससे बियॉन्ड हम कभी जाने की कोशिश नहीं करते। एक आम आदमी ये सोचता है कि ये जो विकलांग व्यक्तियों को या डिसेबल्ड लोगों को देखने का काम है या तो सरकार का है या एनजीओ का है या जिस परिवार में है उस परिवार का है, हमसे कोई मतलब नहीं। कल कल भले ही उनको भी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, किसी कारण से दुर्घटना हो जाए, कुछ हाई फीवर हो जाए, डिसेबल्ड हो जाए, तब वो कहेंगे क्या जरूरी है कि डिसेबिलिटी के बारे में जानने के लिए तो बहुत बड़ी कीमत होगी ना देने के लिए, जब तक डिसेबल्ड नहीं है। जैसे घर पे किसी की आपको कोई डिसेबल्ड है उसको एक नौकरी मिल गई तो बोला अरे देखिए आजकल तो इन्हीं लोगों को नौकरी मिलती है, मतलब चाहे वो कहीं कार्य कहीं हो ना, लेकिन ये जो सीधे सीधे कमेंट आ जाता है उसका मतलब था प्रपंच है कुछ ये सब क्या आता है, ये सब आते जाते कि फ्री में होता है क्या, चल रही जो नीचे जो पैसा है और मैं खुद को ये पैसा मैंने ही पेड़ लगाया मैं ही फल खा जाऊँ तो फिर बचेगा क्या, तो लेकिन उसको उस महिला को विश्वास नहीं हुआ, हमने साइकिल भी नहीं थी या हमने ये जो रद्दी से जो पैसा इकट्ठा करते हैं जो हमने 30-40 हज़ार रुपये महीने से शुरू किया था और महीने से 50,000 महीने का है, 30-40 हज़ार साल का था अब 50,000 महीने का है, बूढ़ा कबाड़ इकट्ठा करके बेचते हैं और उससे पैसे कोई कोई क्या क्या देता है कोई क्या देता है सब बेच डालते हैं। पर वो लोग ये होता है ना कि लोग जो है आपके काम पे बात नहीं करना चाहते हैं, आप कितना कमा रहे हैं तो इस पे बात करना चाहते हैं, और उनको रहे अरे बहुत डोनेशन आ रही होगी इसलिए काम कर रहे हैं। अच्छा वो जो डिसेबल्ड है जिसके लिए काम करते हैं ना वो भी जूता मारता है, वो कहता है कि आपको तो करना ही करना है क्योंकि आप ले आप पैसा आ रहा है, आप सरकार से पैसे ले आए। अच्छा एक आदमी आया मैं आपकी शिकायत सीएम से करूंगा। अच्छा मैंने कहा सीएम से भी करो, डीएम से भी करो, पीएम से भी करो। अच्छा अब तुम तीनों से जब करके आओगे किसी एक से करके आओगे तभी तुम्हारा काम होगा कि नहीं होगा उस पर विचार करेंगे, लेकिन नहीं क्योंकि आजकल क्या है एक नया तरीका हो गया है कि पत्थर फेंकने का, जो थोड़ा बहुत काम हो गया आज फॉल्ट को देखें तो लोग सोच रहे हैं कि आज ही बन गया, इसके पीछे की 20-25 साल का जो आपका संघर्ष है आपकी जर्नी है उसको नहीं देखता आदमी, और उतना से देखते कि शायद पैसा मिल रहा है इसलिए लोग काम कर रहे हैं और उसी को उस काम पे नहीं जा रहे हैं कि कितने लोगों के लिए आपने क्या किया कैसे किया उस पे जाते हैं वो जर्नी दिखाए कैसे 25 साल की, ये जो सारा जो वो है ये किसी तरह से जो है जो हमारी एजुकेशन और उससे आना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा कि हम अपने शिक्षा में क्या परिवर्तन करें, छोटा सी भी कोई चैप्टर डिसेबिलिटी पे होना चाहिए, बचपन से होना चाहिए, हर क्लास में होना चाहिए, बिल्कुल बेशक होना चाहिए। जब हम फर्स्ट एड की बात करते हैं इसकी बात करें ये तो शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है,
उसमें एक चैप्टर तो होना ही चाहिए ऐसा, एक चैप्टर तो हेल्थ का हो और एक चैप्टर हो कि एटीट्यूडनल क्या है, मैं हमारे तरह बीमारी नहीं रहेगी। 9th-10th पे ये डिस्कस कर लेगी भाई हेल्थ का इश्यूज को जी, और 11th-12th पे कर ले डिसेबिलिटी से जी, और इतना बड़ा प्रतिशत है, इतना बड़ा प्रतिशत गलत निकाल के बैठे जी 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 बिल्कुल 2 point something हो गया है, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री में कई कितने गुना ज्यादा है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपकी गंदगी बहुत है, आपकी कैसे डिसेबिलिटी कम हो जाएगी जी। WHO कहता है 10% तो है ही है, अब 13% भी निकाल दिया उन्होंने, 13% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड, 2.4 आपके फौज में जाने की इच्छा नहीं? मेरे बापू ने सोचा कि तो फौजी बनाना बड़ा है लड़का, तो बना नहीं, इसको भेज दो। और हमारे एक ताऊ जी है, उनके बेटे फौज में हैं, उनके 2 वो फिर फौज में हैं, अच्छा तो 3 की फौज में हैं, और हमारे पिता को 2 हुए तो सोचा कि इनको फौज में भेजो, एक सिविलियन बन जाएगा, अच्छा तो भाई 2 चले गए, अब बचा गए तो मुझे भेजा, और पहले मैं प्लेस पर रहते थे, अच्छा हालांकि मुझे कोई शौक नहीं था फौज में जाने का, पढ़ाई आगे चलाए, 10+2 के आगे पढ़ लीजिए, तो कुछ कहने की बात हम तो नहीं पढ़े, हमारे ध्यान नहीं हो रहता, तो मेरा एडमिशन BSc पे हो गया गाजियाबाद से, अप डाउन करता था, 2-3 गया हुआ, इतने में यहाँ पे एडमिशन हो गया, यहाँ टेस्ट दे रखे थे KGM से नहीं, ये IPH में, आज इंटरप्रेस्टेड IPH में, यहाँ पे IPH ज्यूरम फिजिकली हैंडीकैप, ओके अच्छा, तो वहाँ पे रिहैबिलिटेशन के होता था, वो टीम क्लासेस थे, पीटी फिजियोथेरेपी, लिखावट में भी निकल गए, इंटरव्यू में भी निकल गए, तो सिलेक्शन हो गया, तो फिर सारे जने चुप हो गए, चलो कहीं किसी जगह तो पहुंच जाओ, तो जाते जाते वहां हम यहाँ निकल गए, अच्छा 10th-12th बायोलॉजी ली हुई थी, तो ये हमारे काम आ गई, मैं बहुत छोटे शहर से पहले आया, बाराबंकी का है, अच्छा अच्छा लखनऊ से 30 जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा, तो वहां से मैंने 4 वहां बैठ के पढ़ाई करी थी, पूरे लखनऊ में बाराबंकी में एक ही कॉलेज में वो था बायोलॉजी, ये जो गवर्नमेंट का कॉलेज हमारा था, लड़कियों के कॉलेज में नहीं था बायोलॉजी, तो केवल 2 लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ती थी, 1000 लड़कों के अंदर 2 लड़कियां जिन्होंने बायोलॉजी ली, नहीं थी कोई भी, तो बायोलॉजी से पढ़ के आए, उसी से वो आगे हमारा काम चल गया, यहाँ से हुए फिर पढ़ लिख के ट्रेनिंग लेके लखनऊ में जॉब मिली, फिर वहाँ जॉब कर ली, जॉब करते करते फिर नौकरी लगा दी, लौट के आ गए। तो पूछना चाहूँगा कि अब आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से ये पूरे डिसेबिलिटी के विषय को लेकर के, इतनी बातचीत करने के बाद फाइनल आपसे पूछना चाहता हूँ कि एटीट्यूड से लेके और सरकार तक जो इसको किस तरह से होना चाहिए, दो बात बहुत काम आई हो, तो डिसेबिलिटी को लेकर के आप मनीषा नाम जो है, डिसेबिलिटी को लेके किस तरीके के आप आगे देखते हैं कि क्या क्या वो एटीट्यूड से लेके सरकार की पॉलिसी तक क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या लोगों को आप कहना चाहेंगे? इसका प्रचार और प्रसार बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी में डिसेबिलिटी आती है, पोलियो हालांकि
इरेडिकेट कर दिया गया, लेकिन और तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं जो कभी नहीं सुनी थी, उसकी वजह से भी बीमार होते हैं और डिसेबल हो जाते हैं। तो एक तो इसके बारे में बहुत कम किया जाए, लिटरेचर बहुत कम अवेलेबल है। जो पत्रिका क्यों बची, यानी कि आप जाइए स्टॉल पे जाइए, आपको स्पोर्ट्स पे भी पत्रिका है, खाने पे भी है, स्त्रियों के पत्रिका है, बच्चों की पत्रिका है, पॉलिटिक्स पे है, फिल्मों पे है, एनवायरमेंट पे है, कंपटीशन पे है, नाम लीजिए हर एक चीज की है, डिसेबिलिटी पे एक भी नहीं है। तभी हम लोगों ने वो शुरू किया था कि भाई एक डिसेबिलिटी है, इस वो भी दो तीन समाचार पत्र निकलते हैं, एक वहाँ से निकलता है जयपुर से विकलांग बन, एक राष्ट्र विकलांग संदेश निकलता है रायपुर से छत्तीसगढ़ से, यही दो है मुझे वो चल रहे हैं हिंदी में। वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए लिटरेचर की वो चीज। और मीडिया का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि टीवी या रेडियो ऐसे होना चाहिए, बेशक उसमें नहीं होता। अगर वो बार बार एक चीज को अखबारों को पढ़ाया गया था कि बार बार लगातार एक चीज को करते हैं तो रिपीटेडली, तो उसमें ज्यादा असर पड़ता है। अब जैसे पैरालिसिस में मसल पावर कम हो जाती है या फ्रैक्चर के बाद हाथ जाम हो जाता है, तो रिपीटेडली करते हैं एक्सरसाइज होता, उसी तरह उससे भी अगर आप रिपीटेडली घोड़ा चलाते रहेंगे कि उस लेवल पे इंट्रोड्यूस करिए स्कूल की लाइब्रेरीज होती है, कॉलेज की लाइब्रेरीज होती है, वहाँ पे ये चीजें जितनी भी मैगजीन और डिस्क मिलते हैं वो फ्री उपलब्ध होनी चाहिए, सेग्रीगेट नहीं करिए। और अच्छा है कि ये अब यूनिवर्सिटी में देखिए कितनी सीटें हर साल खाली चली जाती है जो डिसेबिलिटी कोटा में होती है, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट अपने प्रयास कर रही है, लेकिन अभी और प्रयासों की जरूरत है। जब तक जीवन तब तक प्रयास, नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ताकि एक जो भी आप देखो लोग एटीट्यूड कैसे चेंज करे, एटीट्यूड कैसे चेंज करे, काम से बदलता है लोग एटीट्यूड, काम का भी हो, ऐसे लोगों को जो जैसे कि फिल्में बनती है या कुछ होती है जो चीज लोगों ने करके दिखाया, देखो वहाँ जो माइंड सेट है ना, वो जो भी वाला है जिन भिक्षु के विषय वाले थे वो भिक्षु को ना दे, जो भिक्षु को ना दे सीओ डी हो सकता, वो जो हमने आपको लेकिन काफी कुछ पहले से बदला है वो, क्यों अभी आप फॉलोअर में देखेंगे तो अभी दीपा मलिक को 4 करोड़ का पुरस्कार दिया प्रधानमंत्री ने हरियाणा सरकार की ओर से, क्यों क्योंकि हरियाणा सरकार की 50वीं वर्षगांठ थी। और जब पहले की बात है जिसको तीन पैदल ले लें व्यक्ति को और पैसा एक नहीं मिला, इसको मतलब जुटता तो है नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला, डॉक्टर जौहर की जो बातें हैं और जो उन्होंने आज पूरा हमारे सामने रखा, उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के अंदर देश के जो नीति निर्माता लोग हैं और देश के जो समाज है बेहतर समाज, वो इन चीजों को समझेगा, क्योंकि कानून से ज्यादा जरूरी, कानून जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि हमारे आम जनता के जो आम समाज के अंदर जो विकलांगता है उसको लेकर के उनकी जो मानसिक जो मानसिकता की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। उसके लिए आवश्यक है कि न केवल शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और उसमें जो है जो डिसेबिलिटी का जो विषय है उस पर व्यापक चर्चा भी हो, वो कैसे जो है बेहतर समाज के साथ जुड़ सके वो भी बहुत जरूरी है। और जो सरकार के जो प्रमुख स्थान है, चाहे स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स या कोई भी घूमने फिरने की जगह,
वो सब जो है यूजर फ्रेंडली एक प्रकार से होनी चाहिए, जहाँ पर पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है किसी से वर्चुअली भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो अपने इज्जत के साथ, अपने सम्मान के साथ उस चीजों को पहुंच सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी चर्चा से जो है लोगों को कुछ ना कुछ इसका लाभ मिलेगा, और इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात फिर रिपीट करूंगा कि अवसर दीजिए, दयालुता दिखाइए, मौके दीजिए ताकि वो प्रूव कर पाए, अपने को प्रमाणित कर पाए, तब देखिए रिजल्ट कहाँ से कहाँ मिलेंगे। तो मौका ही देंगे, घर बैठे बैठे देख पाए, कुछ ही कर पाएगा, ये वो करके तो देखिए। दया मत दिखाइए, अवसर दीजिए, और लोगों को अपने साथ रखिए, उनको जो है दूर रखने की जरूरत नहीं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, हम हमारे साथ भागीदार हैं, हमारे समाज के विकास के लिए उनकी योगदान है, इसलिए अलग रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।